ये इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है और इसी ने जमहूरियत का तबाया लगाया। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन रह गया था, उसने भी एक केस डाल दिया। जमात इस्लामी के खिलाफ तो कोई वारंट जारी नहीं हुआ, तो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ क्यों? इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद पुलिस को कल चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। असलामु अलैकुम, मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन रह गया था, उसने भी एक केस डाल दिया। यानी आप जेर समात तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद पुलिस को कल चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने यानी इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद को नाकाबिले जमानत वारंट की तामील की हदायत की और कहा कि आईजी इस्लामाबाद चंद में तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके खिंच धरू के इलेक्शन कमीशन में पेश करें। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके कल 10 बजे पेश किया जाए। अब क्या इमरान खान को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा? क्या फिर से हालात खराब हो सकते हैं? क्या पीडीएम हुकूमत की इमरान खान को एक बार फिर गिरफ्तार करने की ख्वाहिश पूरी की जा रही है? क्योंकि किसी और केस में तो इमरान खान पर हाथ नहीं पड़ रहा, तो अब इलेक्शन कमीशन के जरिए इमरान खान की गिरफ्तारी की एक और कोशिश की जा रही है। आखिरी इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इनके जहन में बहुत सारी गिरफ्तारियों की कोशिशें रखी हुई हैं। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के इमरान खान ने यानी थाना शहजाद टाउन मुकदमा में जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर चुकी है। उस फैसले में साफ साफ तौर पर इमरान खान का 9 मई के वाकयात में क्लीन चिट दे दी गई। अगर मैटर क्लियर हो गया तो आगे मैटर क्यों बन रहा है? अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ के इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी की? आखिर मसला है क्या, चाहते क्या? इलेक्शन कमीशन ने 19 अगस्त को इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को नोटिस जारी किए थे। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सियासी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ जलसों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इंटरव्यूज के दौरान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम आयद किए थे, जबकि तीनों पार्टी रहनुमाओं को 30 अगस्त को जाती हैसियत या बजरिया वकील पेश होने की हदायत की गई थी। अच्छा, अब इस मैटर में मैं यहां रुककर आपको बताना चाहता हूं कि एक इलेक्शन कमीशन को इस्तदा भी कह सकते हैं कि दो को तो आप साइड पे करते हैं, इनका ना दीन ना ईमान, ये तो तौबा तायब हो गए हैं, मतलब जो इनके हालात हैं इसके बाद इनका क्या बनता है। हां, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इल्जाम की बात है वो एक वाज़ेह मुअक्कफ है जो फ्रॉम द डे फर्स्ट अपनाना चाहिए था, जो कि थोड़ा सा देर की खान साहब ने, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बायस होने के ऊपर इल्जाम जो लगाया वो बहुत लेट लगाया। ये सबको पता है कि जो ये इलेक्शन कमीशन है वो कंप्लीट बायस्ड है और यही मामला आज इस हद तक चला गया कि पूरी की पूरी अदालत की 3 दफा की जजमेंट्स को फैलाकर आज इलेक्शन कमीशन कहता है कि जब वो चाहेगा तब इलेक्शन होंगे और जमहूरियत का पहला पेच ही निकाल दिया, यानी पेवट ही निकाल दिया, यानी पैंदा ही तोड़ दिया, यानी कहा कि इलेक्शन जब इलेक्शन कमीशन चाहे, जब ये चाहे, यानी कानून नहीं चाहे, आईन नहीं चाहे, 73 का आईन नहीं चाहता, जब इलेक्शन कमीशन चाहे और इलेक्शन कमीशन जिसके हाथ में जब वो चाहे, चुनाचे ये मामला आते रहेंगे। बहरहाल ये मामला आयद हुए थे तीनों पार्टी के रहनुमाओं को 30 अगस्त को जाती हैसियत या बजरिया वकील पेश होने की हदायत की गई थी। ये मैटर अब करना है तो कर लें, फवाद चौधरी का दीन ईमान नहीं, उसको फारिग करें, असद उमर का नहीं, अब रह गया खान साहब। खान साहब के ऊपर जो केस बनता एक्चुअली नहीं है, क्योंकि जब वो मान रहे हैं और जब वो कह रहे हैं और नजरियाती तौर पर वो कह रहे हैं और सारी कौम जानती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड है, चुनाचे उसका ये कानून बनता ही नहीं है और उसके ऊपर ये डट के खड़ा होना चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है और इसी ने जमहूरियत का तबाया लगाया। और जमहूरियत तो रहनी ही नहीं चाहिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही कभी ठीक नहीं हुआ और जब तक इसका रिफॉर्म नहीं होता इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं हो सकता। अब कराची के बल्दियाती इलेक्शन का मामला ले लें, पर उसमें जमात इस्लामी भी इल्जाम लगाती रही, बल्कि इल्जाम क्या यकीन से कहती रही तो इल्जाम तो ना हुआ, तो इस हवाले से जमात इस्लामी को भी तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी कर दे। अभी हाल ही में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल वासिर ने अपने बयान में कहा कि निगरान सूबाई वजीर शाहिद खट्टक की ANP में जलसे में शिरकत जानबदार होने का सबूत है। निगरान हुकूमत की गैर जानबदारी अब खत्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की खामोशी से वाजे होता है कि वो भी इन जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन तो साफ साफ आपके सामने एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि इलेक्शन कमीशन कैसे बायस्ड है और उसने
एमक्यूएम की हलका बन गया उनके कहने पर भी, कैसे नहीं करवाई थी और ये सारे मामला कैसे हुए। जमात इस्लामी के खिलाफ तो कोई वारंट जारी नहीं हुआ, तो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ क्यों, तो फिर जमात इस्लामी को भी कीजिए जो टोटल बायकॉट किया और उसने कहा कि ये बायस हैं, तो आप एमक्यूएम के ऊपर भी कीजिए और सारे एमक्यूएम और सारी पार्टीज जो सब लोग ये समझते हैं, बल्कि आप ये समझ लें कि जो इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शंस हैं, और मैं तो सीधा सीधा इन सारे इलेक्शन के जब से ये हो रहे हैं मैं उस पूरे प्रोसेस को ही ठीक नहीं समझता, क्योंकि ये पांच लोग जब चुने जाते हैं तो वो बायस नहीं होंगे तो अनबायस कैसे हो सकते हैं। या निगरान वजीर आला वफाकी हुकूमत के इशारों पर चल रहे हैं, ऐसे ऑर्डर जारी कर रहे हैं जैसे मुंतखब वजीर आला हूं, यानी इनकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो किसी किस्म का जो है वो वाज़े हुक्म दे। अब ये गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं, सारे मामला भी चला रहे हैं, पुल भी देख रहे हैं और चुल भी देख रहे हैं, वहां इलेक्शन कमीशन की ना आंखें खुलती हैं ना कान। शहबाज शरीफ और वजीर आजम होकर भी प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले ही लैपटॉप बांट रहे हैं, अपने भगौड़े भाई नवाज शरीफ के लिए इलेक्शन कमीशन चला रहे हैं, खुलेआम सरकारी नशिस्त पर बैठकर अपने भाई के आने का ऐलान कर रहे हैं, साफ ये कह रहे हैं कि वो आएगा तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। और भाई ये कौन है जो पहले हमें बर्बाद करके गया जो अब ठीक कर देगा, और इंश्योरेंस देते फिर रहे हैं। क्या इधर इलेक्शन कमीशन को कुछ नजर नहीं आता? हो सकता है कि कल को हमें भी इलेक्शन कमीशन हकायक बताने पर शो का कॉज नोटिस जारी कर दे, क्योंकि हम तो उसकी जुरिस्डिक्शन में आते ही नहीं है। हो सकता है इस बात पे आप इल्जाम लगा सकते हैं कि जो लोग हम तो पहले उसी में, मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन का सिस्टम ही बोगस है, इलेक्टोरल प्रोसेस ही बोगस है, इसमें रहा ही कुछ नहीं है और पहले भी कभी कुछ नहीं था, और ये तरीकाकार जब से ही शुरू है तरीकाकार ही गलत है। तो बाहर आप इसके ऊपर भी नोटिस जारी किए, तो इस मुल्क में जिसकी लाठी इसकी भैंस है, आज पीडीएम के हाथ में ताकत है तो वो तरामीम के जरिए करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से भी आजाद हो रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ और इनके फर्जंदों के खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो रहे हैं। देखते हैं सिलसिला कहां तक चलता है, तमाशा जारी है और आवाम तमाशा ही है।